Hello children, in this video you will get to know how we can write data in a text file. Okay, aap text file ke andar data ko kaise write kar sakte ho. Okay, for writing to a file, file mein likhne ke liye, write karne ke liye, we first need to open it in write और अपेंड मोड. अगर आप फाइल में रिटर्न वर्क करना चाहते हो, मतलब उसमें कुछ लिखना चाहते हो, तो आपको सबसे जो पहली रिक्वायरमेंट है वो क्या है, फाइल को ओपन करना होता है. ओके, और किस मोड में ओपन करना होता है, राइट मोड में या फिर अपेंड मोड में. ओके, while writing data in a file, if file doesn't exist, it will create the new file. जब आप file में data write करते हो तो क्या होता है, अगर file exist नहीं करती है तो वो क्या होती है, create हो जाती है. जो भी आपने file का enter किया है उस name से file, उस particular position पे उस name से file create हो जाती है, new file. okay, if we open an existing file in write mode, the previous data will be erased. अगर आप किसी existing जो already बनी हुई है file उसको open करते हो किस mode में, write mode में, तो जो भी डेटा उस फाइल में पहले से लिखा होता है वो सारा क्या हो जाता है, इरेज्ड हो जाता है, मतलब वो डिलीट हो जाता है. एंड द फाइल ऑब्जेक्ट विल बी पोजीशनड एट द बिगनिंग ऑफ द फाइल. और जो फाइल ऑब्जेक्ट होता है वो कहाँ चला जाता है, फाइल की बिगनिंग पर. ओके, अगर आपने एग्जिस्टिंग फाइल को ओपन किया है किस मोड में, राइट मोड में. ओके, आपने एग्जिस्टिंग फाइल को राइट मोड में ओपन किया है तो क्या होता है, जो उसका प्रीवियस डेटा होता है वो इरेज हो जाता है और जो फाइल हैंडल होता है ओके वो कहाँ पे चला जाता है, वो फाइल के स्टार्टिंग में चला जाता है. ओके, इन सबको हम अभी प्रैक्टिकली करके देखेंगे. ओके, अभी थ्योरेटिकली मैं कॉन्सेप्ट आपको समझा रही हूँ. ऑन द अदर हैंड इन अपेंड मोड, न्यू डेटा विल बी एडेड एट द एंड ऑफ द प्रीवियस डेटा एज द फाइल ऑब्जेक्ट इज एट द एंड ऑफ द फाइल. लेकिन अपेंड मोड, अगर आपने फाइल को ओपन किया किस मोड में, अपेंड मोड में. ओके, तो क्या होता है, न्यू डेटा एड हो जाता है कहां से, फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइल, जहां पे जहां तक डेटा था फाइल के अंदर उसके एंड से न्यू डेटा एंटर हो जाता है. फाइन, मतलब न्यू डेटा प्रीवियस डेटा के साथ जाके ज्वाइन हो जाता है. राइट, आफ्टर ओपनिंग द फाइल वी कैन यूज द फॉलोइंग मेथड्स टू राइट डेटा इन द फाइल. फाइल ओपन करने के बाद हम इन मेथड्स का यूज करके फाइल के अंदर डेटा को राइट कर सकते हैं, डेटा को लिख सकते हैं. फर्स्ट मेथड क्या है आपका, राइट मेथड. फॉर राइटिंग अ सिंगल स्ट्रिंग, यहाँ पे सिंगल स्ट्रिंग का मतलब है एक लाइन ऑफ स्ट्रिंग. ओके, जो आपने एनक्लोज किया है सिंगल कोट्स या डबल कोट्स के अंदर. ओके, राइट लाइन्स, राइट लाइन्स फॉर राइटिंग अ सिक्वेंस ऑफ स्ट्रिंग. यहाँ पे आप क्या, राइट लाइन्स मेथड में आप क्या कर सकते हो, सिक्वेंस ऑफ स्ट्रिंग, आप लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग इसके अंदर एंटर करा सकते हो, कोई भी सिक्वेंस एंटर करा सकते हो, आप टपल इसके अंदर एंटर करा सकते हो. ओके, तो अब इन फंक्शन को हम वन बाय वन देखते हैं. नाउ फर्स्ट वी हैव राइट मेथड. ओके, तो यहाँ पे क्या करेक्टरिस्टिक्स है राइट मेथड की, राइट मेथड और यू कैन से राइट फंक्शन टेक्स अ स्ट्रिंग एज एन आर्ग्यूमेंट एंड राइट्स इट टू द टेक्स्ट फाइल. क्या करता है राइट मेथड के अंदर, राइट फंक्शन के अंदर आप कोई भी स्ट्रिंग पास करते हो और वो स्ट्रिंग कहाँ पे जाके राइट होती है, वो होती है टेक्स्ट फाइल के अंदर. ओके, आपने राइट फंक्शन के अंदर जो भी स्ट्रिंग को पास किया वो स्ट्रिंग कहाँ पे जाके कहाँ पे जाके एंटर हो जाएगी, टेक्स्ट फाइल के अंदर. ओके, वी नीड टू एड अ न्यू लाइन करेक्टर एट द एंड ऑफ एवरी सेंटेंस टू मार्क द एंड ऑफ द लाइन. जब आप स्ट्रिंग लिख रहे हो ओके, तो अगर आप चाहते हो कि जो नेक्स्ट करेक्टर है वो या नेक्स्ट वर्ड है वो नेक्स्ट लाइन में आए, तो उसके लिए आपको एक्सप्लिसिटली मतलब खुद से कौन से करेक्टर का यूज करना होता है, न्यू लाइन करेक्टर का. जहां जहां आप न्यू लाइन करेक्टर का यूज करोगे उसके बाद का जो भी स्ट्रिंग एंटर की है वो कहां चली जाएगी, नेक्स्ट लाइन में चली जाएगी. ओके, If numeric data are to be written to a text file, the data need to be converted into string. अगर आप text file के अंदर numeric data enter करवाना चाहते हो तो आपको numeric data को सबसे पहले string में convert करना होगा. Okay, using str function. Okay, या फिर आपको string में string को quotes के अंदर डालना होगा जिससे वो string में convert हो जाए. Before writing to the file, मतलब फाइल में अगर आप न्यूमेरिक डेटा एंटर कराना चाहते हो तो आप उसे टेक्स्ट फॉर्म में, स्ट्रिंग फॉर्म में ही एंटर करा सकते हो. आप उसको या तो एसटीआर फंक्शन का, स्ट्रिंग फंक्शन का यूज करके कन्वर्ट करोगे या फिर उसको डबल कोट्स में या सिंगल कोट्स में एनक्लोज करके स्ट्रिंग में कन्वर्ट करोगे. ओके, द राइट फंक्शन एक्चुअली राइट्स डेटा ऑन टू अ बफर. राइट फंक्शन क्या करता है, जो उसका डेटा राइट करता है वो एक्चुअली कहाँ करता है, एक टेम्परेरी स्टोरेज एरिया जिसको हम बफर बोलते हैं वहां पे राइट करता है. When the close method is executed, the content from this buffer are moved to the file located on the permanent storage. तो ये क्या कह रहे हैं, जब जब क्या आता है, क्लोज फंक्शन आता है, एग्जीक्यूट होता है. ओके, तब
डेटा बफर से फाइल पर जाके परमानेंटली स्टोर हो जाता है। जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में एग्जांपल दिया था, अगर आप फाइल को क्लोज नहीं करते हो तो क्या होता है, समटाइम्स वो राइट, जो भी आप राइट फंक्शन की हेल्प से लिख रहे हो वो फाइल के अंदर स्टोर नहीं होता है। तो अगर आप चाहते हो कि आपका डेटा फाइल में स्टोर हो तो आप क्या करोगे, फाइल को क्लोज करोगे, राइट। क्योंकि फाइल जब आप क्लोज करोगे तब डेटा बफर से एंटर से मूव करके कहाँ एंटर करेगा, परमानेंट स्टोरेज आपकी फाइल में। ओके, नाउ सिंटेक्स। अब राइट मेथड का सिंटेक्स क्या है, फाइल हैंडल या फाइल ऑब्जेक्ट डॉट राइट, और str क्या है, जो स्ट्रिंग आप फाइल के अंदर राइट करवाना चाहते हो। ओके, राइट स्ट्रिंग str टू द फाइल, तो str स्ट्रिंग क्या हो रही है, फाइल के अंदर आप एंटर करवा दोगे, राइट करवा दोगे, रेफरेंस्ड बाय द फाइल हैंडल। ओके, जो कौन रेफरेंस प्रोवाइड कर रहा है, उसका फाइल हैंडल, जो कि किससे लिंक है, फाइल हैंडल से लिंक है फाइल। ओके, अब इसको प्रैक्टिकली करेंगे हम। ओके नाउ, अब यहाँ पे हम राइट फंक्शन का यूज करेंगे, तो आप कमेंट दे दो यूज ऑफ राइट फंक्शन। फाइन, फाइल हैंडल आपने लिया एफ। ओके, ओपन, अब मैं यहाँ पे कोई भी एक फाइल नेम ले लेती हूँ, अगर वो ऑलरेडी क्रिएटेड है राइट, और अगर उसको मैं राइट मोड में ओपन करती हूँ तो क्या होगा, उसका प्रीवियस डेटा इरेज हो जाएगा और न्यू डेटा उसके अंदर एंटर हो जाएगा, राइट। तो मैं यहाँ पे फाइल ले लेती हूँ demo1.txt, और अगर ये क्रिएटेड नहीं है तो इस नेम से पाइथन की डिफॉल्ट डायरेक्टरी में एक फाइल क्रिएट हो जाएगी। फाइन, नाउ f.write मैं इसके अंदर लिख देती हूँ वेलकम टू पाइथन प्रोग्रामिंग। ओके, अब अगर आप क्लोज फंक्शन का यूज करके फाइल को क्लोज नहीं करते हो तो क्या होगा, जो आपका डेटा आपने जो स्ट्रिंग दिया है राइट, वो बफर में जाके स्टोर हो जाएगा बट वो फाइल में स्टोर नहीं होगा अगर आपने क्लोज फंक्शन का यूज नहीं किया। इसको हम सेव करते हैं राइट, इसको हम दे देते हैं नेम प्रोग्राम टू राइट। अब इसको एग्जीक्यूट कराएंगे, एग्जीक्यूट हो गया। नाउ वी विल सी कि वो डेटा जाके स्टोर हुआ है या नहीं हुआ है। हमारे पास डेमो वन यहाँ पर फाइल है, देखो इसके अंदर कोई भी डेटा नहीं आया है। फाइन, अब जाके हम क्या करेंगे, अपनी फाइल के अंदर इसको क्लोज करेंगे। एफ डॉट क्लोज फंक्शन का यूज करो आप। ओके, आपने फाइल को क्लोज कर दिया, सेव कर दो इसको, अब प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे राइट। आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया, नाउ वी विल सी कि डेटा उसके अंदर राइट हुआ है या नहीं हुआ है, डेमो वन राइट। अब आपका इसमें डेटा आ चुका है, वेलकम टू द पाइथन प्रोग्रामिंग। फाइन, ओके, नाउ नेक्स्ट, अगर मुझे डेमो वन फाइल के अंदर और भी लाइंस और भी स्ट्रिंग्स एंटर करानी है और मैं चाहती हूँ वो अलग अलग लाइन में आए, तो आप यहाँ पे न्यू लाइन कैरेक्टर का यूज करोगे। ओके, और मैं क्या करती हूँ, फाइल डॉट राइट यहाँ पे मैं इको स्ट्रिंग एंटर करा देती हूँ, कंप्यूटर साइंस। ओके राइट, चलो एक स्ट्रिंग और एंटर कराते हैं, स्लैशन फॉर न्यू लाइन करेक्टर, एफ डॉट राइट, आप दे दो यहाँ पे क्लास 12। ओके, सेव कर लेते हैं इसको एंड देन वी विल एग्जीक्यूट इट। हो गया, नाउ अब अपनी फाइल में देखेंगे जो हमने और इसके अंदर स्ट्रिंग दिए हैं। ओके, वो आ गए हैं, देखो आपने 3 स्ट्रिंग्स इसके अंदर एंटर कराए, वो आप और न्यू लाइन कैरेक्टर का यूज किया था तो अलग अलग लाइंस में आए हैं। फाइन, ओके, देखो अब अगर मैं डेमो वन फाइल को ओपन करती हूँ राइट मोड में राइट, तो क्या होगा, तो उसका जो प्रीवियस डेटा था वो क्या होगा, इरेज हो जाएगा, ओवरराइट हो जाएगा, और जो न्यू डेटा आप एंटर करोगे वो उसके अंदर आ जाएगा। अभी हमने 3 स्ट्रिंग्स उसके अंदर एंटर कराई थी, अब देखो डेमो वन को मैं फिर से क्या करती हूँ, ओपन करती हूँ demo1.txt। ओके, किस मोड में, राइट मोड में। फाइन, और मैंने इसमें दिया f.write python ट्यूटोरियल
इन हिंदी। ओके, तो डेमो वन फाइल अभी आपने क्रिएट की थी, आपने उसके अंदर 3 स्ट्रिंग्स को एंटर कराया था। अब मैं उसको क्या कर रही हूँ, फिर से ओपन कर रही हूँ और उसमें एक स्ट्रिंग को मैं एंटर करा रही हूँ। तो क्या होगा, जो उसकी प्रीवियस स्ट्रिंग्स हैं, जो भी आपने डेटा उसमें एंटर कराया है, वो क्या होगा, इरेज हो जाएगा, ओवरराइट हो जाएगा। और जो अब आप उसके अंदर स्ट्रिंग एंटर करा रहे हो, ओके, सिर्फ वही स्ट्रिंग अब आएगी उसके अंदर, राइट। अब इसको हम सेव कर लेते हैं कंट्रोल एस, राइट। नाउ वी विल एग्जीक्यूट इट, हो गया। अब डेमो वन को हम देखेंगे, डेमो वन को ओपन करके देखो, देखो प्रीवियस डेटा इरेज हो चुका है, आपके पास क्या आ गया, पाइथन ट्यूटोरियल इन हिंदी। ओके, ओवरराइट हो चुका है प्रीवियस डेटा, जब अगर आपने इसको राइट मोड में ओपन किया है। ओके, लेकिन मैं चाहती हूं कि मैं जब अपनी फाइल को ओपन करूं, ओके, तो उसमें प्रीवियस डेटा भी हो और जो मैं करेंट डेटा डालूं वो भी आए। तो मान लो मैं इसको अगेन ओपन करती हूं, ओपन, ओके, हमारी फाइल है डेमो वन डॉट txt, ओके, और मैं क्या चाहती हूँ, जो इसके अंदर ऑलरेडी डेटा है वो इरेज ना हो, तो आप कौन से मोड में इसको ओपन करोगे, इसको अपेंड मोड में ओपन करोगे, राइट। तो अपेंड मोड में ओपन करने से क्या होगा, जो प्रीवियस डेटा है वो एज इट इज रहेगा और जो आप जो भी स्ट्रिंग अब एंटर कराओगे वो क्या होगी, उस स्ट्रिंग के एंड पे एंटर हो जाएगी। ओके, मतलब उस जहां पे उस प्रीवियस स्ट्रिंग का एंड होगा वहां से आपकी न्यू स्ट्रिंग यहाँ पे एंटर हो जाएगी। अब मैं एक न्यू स्ट्रिंग यहाँ पे एंटर कराती हूँ, आपने यहाँ पे एंटर करा दिया, वेलकम टू पाइथन प्रोग्रामिंग, ओके, और प्रीवियस हमने क्या एंटर कराई थी, उसके अंदर ऑलरेडी पाइथन ट्यूटोरियल इन हिंदी, राइट। अब अपेंड मोड से क्या होगा, उस स्ट्रिंग के एंड से आपकी ये जो स्ट्रिंग आप एंटर करा रहे हो वो क्या होगी, उसके साथ ज्वाइन होके आ जाएगी, मतलब प्रीवियस स्ट्रिंग अब क्या होगी, इरेज नहीं होगी। ओके, बिकॉज आपने कौन सा मोड दिया है, अपेंड, अपेंड मतलब ज्वाइनिंग, राइट। इसको सेव कर लेते हैं हम लोग, रन कराओ, फाइन। अब हम अपनी फाइल को देखेंगे, ये देखो पाइथन ट्यूटोरियल इन हिंदी, और उसके फिनिश होते ही अपेंड मोड में आपने दिया था तो आपका आ गया वेलकम टू पाइथन प्रोग्रामिंग, राइट। तो यहाँ पे आपका प्रीवियस डेटा ओवरराइट नहीं हुआ है, प्रीवियस डेटा भी है और आपने जो करंट डेटा दिया है वो भी है। ओके, नाउ अब हम क्या करेंगे, एक फाइल क्रिएट करते हैं जिसके अंदर अलग अलग लाइंस में डेटा है, राइट। इसी के अंदर हम थोड़ा चेंज कर लेते हैं, एक न्यू फाइल, चलो इसको ही डिलीट कर दिया मैंने, और यहाँ पे ओपन एक न्यू फाइल क्रिएट करते हैं स्टूडेंट नेम से, या कोई भी नेम ले लो, .txt, राइट। कौन से मोड में, राइट मोड में मैं इसको क्रिएट कर रही हूँ, फाइन। अब यहाँ पे 4i इन रेंज, रेंज फाइल, राइट। तो मैं कौन सी फाइल क्रिएट कर रही हूँ, मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, यूजर से कुछ नेम्स एंटर कराती हूँ और वो नेम्स कहाँ पे जाके राइट होंगे वो मेरी फाइल के अंदर राइट होंगे, राइट। तो फाइल मैंने ओपन कर ली है student.txt, अगर ये ऑलरेडी क्रिएटेड नहीं है तो बन जाएगी, राइट, बिकॉज ऑफ दिस स्टेटमेंट। अब यहाँ पे हमने दिया है फोर लूप, 4i इन रेंज 5, तो आपका जो है लूप कितने टाइम्स चलेगा, 5 टाइम्स चलेगा, राइट। इसमें आप नेम ले लो, नेम इक्वल्स टू इनपुट, एंटर नेम ऑफ स्टूडेंट, फाइन, ओके, एंड एफ डॉट राइट, जो भी आप एंटर करा रहे हो, इस जो आपने ये स्टेटमेंट दिए इनपुट एंटर नेम ऑफ स्टूडेंट, राइट, ये आपका क्या, ये प्रॉम्प्ट क्रिएट करेगा जिस जहां पे यूजर अपना डेटा एंटर करेगा, फाइन, ओके। नाउ एफ डॉट राइट, और वो डेटा कहाँ पे जाके आप राइट करा रहे हो, आप राइट फंक्शन की हेल्प से फाइल के अंदर राइट कराएंगे, ठीक है। तो नेम प्लस मैं स्लैश एन कर देती हूँ जिससे जितने भी नेम्स हैं वो अलग अलग लाइंस में आए, ओके,
यहाँ पे हम अपनी फाइल को क्लोज कर देते हैं। फाइन, सेव कर दिया इसको, रन करते हैं। एंटर नेम ऑफ द स्टूडेंट, नेम दे दो, आपने नेम दे दिया नेहा, देन आपने दिया पूजा, देन आपने दिया रोहन, दीपिका, अमित, ओके राइट। आपने फाइव नेम सेंड करा दिए। अब हम अपनी फाइल देखेंगे स्टूडेंट के नेम से जो आपकी फाइल बनी हुई है, ये रही राइट। जो भी आपने नेम सेंड कराए हैं वो आपकी फाइल में आ गए, फाइन ओके। प्रोग्राम फोर ओके। अब एक प्रोग्राम मोर बनाते हैं जहां पे हम क्या करेंगे, यूजर से वैल्यूज को एंटर कराएंगे, ओके नंबर्स को एंटर कराएंगे, उसका सम निकाल के उसको अपनी फाइल में स्टोर करेंगे राइट। तो यहाँ पे हम फाइल हैंडल लेते हैं एफ, हमने ले लिया ओपन फंक्शन, और यहाँ पे आप नेम रख लो इसका सम फाइल, ओके कुछ भी नेम ले सकते हो, डॉट टीएक्सटी। राइट मोड में इसको ओपन किया है, फाइन मैंने ले लिया नम वन इक्वल्स टू इंट इनपुट, एंटर फर्स्ट नंबर, राइट देन नम टू इक्वल्स टू इंट इनपुट, एंटर सेकेंड नंबर, ओके फाइन। फिर हमारा सम आ गया, सम क्या है हमारा नम वन प्लस नम टू, ओके। अब आपको क्या करना है, ये फाइल के अंदर जो भी आपने यहाँ पे सम निकाला है वो फाइल के अंदर आप क्या करना चाहते हो, राइट कराना चाहते हो, तो यहाँ पे आपने दिया फाइल एफ डॉट राइट राइट, ओके यहाँ पे मैंने ले लिया नम वन इक्वल्स ओके। अब यहाँ पे अगर फाइल में आपको डेटा एंटर कराना है न्यूमेरिकल डेटा, तो आप क्या करोगे, उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करोगे, तो str फंक्शन का हम यहाँ पे यूज करेंगे। num1 को हमने पास कर दिया, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा, ओके क्योंकि आप अगर टेक्स्ट फाइल के अंदर न्यूमेरिकल डेटा एंटर करवाना चाहते हो, तो आपको उससे पहले न्यूमेरिकल डेटा को, न्यूमेरिक डेटा को आपको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना होगा, फाइन। एफ डॉट राइट, यहाँ पे हम ले लेते हैं टैब नम टू, नम टू इक्वल्स एस टी आर नम टू, ओके हमने नम टू को भी कन्वर्ट करा दिया, और अब आप राइट करा दो ये स्लैश टी, मैंने टैब के लिए दिया है, ओके स्पेस के लिए सम सम, फाइन, और आपने इसको कर दिया क्लोज, ओके सेव कर लेते हैं, फाइन इसको एग्जीक्यूट करेंगे। जैसे आपने फर्स्ट नंबर दे दिया 20, एंटर सेकंड नंबर ये आपने दे दिया 40, आपका सम आ गया है। अब हम फाइल में देखेंगे हमने किस नेम से फाइल बनाई थी, सम फाइल करके बनाई थी आपने कुछ एस, ये आपकी सम फाइल है, ये देखो आपका नम वन 20, नम टू आपका 40 और सम आपका आ गया राइट। अब मैं इसको अगर दोबारा से एग्जीक्यूट करती हूँ तो ओवरराइट हो जाएगा मेरा रिजल्ट। मैं इसको देखो अगेन, अगर मैं इसको करती हूँ रन,
रन मॉड्यूल, एंटर फर्स्ट नंबर मैंने दिया 35 और सेकंड नंबर दिया मैंने 60, ओके। तो मैं अब इसको ओपन करती हूँ सम फाइल को। तो देखो मेरा प्रीवियस जो था डेटा वो चला गया है। अब अगर आप चाहते हो कि आप जितनी बार कैलकुलेशन कर रहे हो वो इसके अंदर ऐड होता जाए, तो आप फाइल को अपेंड मोड में ओपन करो, ओके। मैं राइट मोड की जगह अब यहाँ पे इसको अपेंड मोड में कर देती हूँ, अपेंड मोड में ओपन, ओके। और जितना मेरा डेटा है फाइन वो क्या होता जाए, ऐड होता जाए नेक्स्ट नेक्स्ट लाइन में। तो यहाँ पे मैं स्लैश एन देती हूँ, स्लैश एन, ओके। इसको सेव कर दो। अब इसको हम रन करते हैं, रन मॉड्यूल, एंटर नंबर 56 दे दिया और आपने यहाँ पे दे दिया 23, ओके। अब देखो ये जो हमने ये प्रीवियस डेटा दिया था और ये वाला, दोनों इसके अंदर आपको मिलेंगे फाइल के अंदर। आप सम फाइल को ओपन करो, ये आपका प्रीवियस भी आ रहा है और ये देखो ये आपका प्रीवियस है, नम 135, नम 260 और 95। ये स्लैश एन वर्क नहीं किया, अभी देखते हैं क्यों नहीं किया। नम 1 फिर आपने 56 दिया है, आपका डेटा आ गया अपेंड मोड में क्योंकि आपने इसको, मैं यहाँ पे एक स्लैश एन और लगा देती हूँ, इसको हम सेव कर लेते हैं। देन अगेन इसको एग्जीक्यूट कराते हैं। इसमें हमने करा दिया फर्स्ट नंबर 34, सेकेंड नंबर आपका आपने दे दिया 56, राइट। अब हम अपनी फाइल ओपन करेंगे सम फाइल, राइट। अब देखो आपका आ गया, ओके, नेक्स्ट लाइन में आ गया है रिजल्ट, फाइन, ओके। नाउ नेक्स्ट वी हैव राइट लाइंस मेथड, राइट। दिस मेथड इज यूज्ड टू राइट मल्टीपल स्ट्रिंग्स टू अ फाइल। इस मेथड का किस लिए यूज होता है, जिससे आप एक साथ मल्टीपल स्ट्रिंग्स को फाइल के अंदर एंटर करा सको, राइट। We need to pass an iterable objects like list किसके list of string, tuple of string, okay? तो आप इसके अंदर कैसे objects को pass कराते हो, वो जो iterable हो, जो sequence form में हो। iterable means जिसके elements को one by one आप access कर सको, traverse कर सको, right? Containing string to the राइट लाइन मेथड। तो अगर आप लिस्ट यहाँ पे पास करो तो लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग, टपल ऑफ स्ट्रिंग, राइट। अगर आपको डेटा को राइट कराना है विद द हेल्प ऑफ द राइट लाइन्स मेथड, ओके। द राइट लाइन्स मेथड राइट द आइटम ऑफ अ लिस्ट टू द फाइल। जो भी आप इसके अंदर लिस्ट, टपल, जो भी पास करा रहे हो, उसके आइटम्स कहाँ जाके राइट होते हैं, फाइल के अंदर जाके राइट होते हैं, फाइन। तो सिंटेक्स क्या है, फाइल हैंडल डॉट राइट लाइन्स, ओके। और जो भी यहाँ, और राइट लाइन फंक्शन के अंदर आप क्या पास कराओगे, सिक्वेंस, सिक्वेंशियल डेटा और आइटरेबल ऑब्जेक्ट्स लाइक लिस्ट, टपल एक्सेट्रा, फाइन। इट राइट्स ऑल द स्ट्रिंग इन द लिस्ट एज लाइंस टू द फाइल रेफरेंस्ड बाय द फाइल हैंडल। तो जो भी आप लिस्ट का एलिमेंट्स होंगे वो किस फॉर्म में आएंगे, एज अ लाइन, लाइन की फॉर्म में आएंगे, ओके, किस फाइल में, जो कि फाइल हैंडल से लिंक है। अब इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं, ओके। तो यहाँ पे मैंने अपना आइडियली ओपन कर लिया है, तो कमेंट देते हैं यूज ऑफ राइट लाइन्स फंक्शन, फाइन। फाइल हैंडल एफ, ओपन, ओपन मैंने फाइल का नेम देती हूँ ए बी सी डी एनीथिंग, ओके, डॉट टी एस टी, आपने फाइल दे दी ए बी सी डी एंड उसको किस मोड में हम ओपन कर रहे हैं, राइट मोड में, फाइन। अब यहाँ पे लिस्ट, क्योंकि आप राइट लाइन फंक्शन का यूज करोगे तो वहां पे हम लिस्ट को पास करते हैं, तो मैं यहाँ पे लिस्ट ले लेती हूँ। मैंने यहाँ पे ले ली कलर्स की लिस्ट, रेड, लेशन, देन ऑरेंज, ऑरेंज, ओके। तो यहाँ पे मेरा रेड ऑरेंज क्या है, ये आपकी फाइल के अंदर जाके राइट हो जाएंगे, ओके, इन द फॉर्म ऑफ लाइंस। और यहाँ पे स्लैश एन की हेल्प से क्या होगा, अलग अलग लाइंस में आएंगे, फाइन, वाइट, देन येलो, ओके, येलो एंड ग्रीन, एक और ले लेते हैं ब्लू, ओके, फाइन। एफ डॉट राइट लाइंस, और आप इसके अंदर पास कर दोगे लिस्ट को,
राइट फाइल को क्लोज कर देते हैं जिससे कि उसमें डेटा एंटर हो जाए। इसको सेव कर लेंगे, सेव कर लो आप। फाइन, नाउ वी विल एग्जीक्यूट इट। एग्जीक्यूट हो गया। अब हम अपनी फाइल को देते हैं एबीसीडी नेम से फाइल। एबीसीडी ये आपकी फाइल है, देखो आपका डेटा आ गया है। आपने स्लैश एन का यूज एज अ एज डिफरेंट डिफरेंट लाइंस आया है, ओके, और आपने स्लैश एन का यूज किया है, ओके फाइन। नाउ यहाँ पे आपने लिस्ट फॉर्म में दिया था, अगर आपको टपल की फॉर्म में देना है तो सिंपली आप इसको क्या करोगे, सर्कुलर ब्रैकेट में डाल दो, राइट। और रिटर्न मोड में हम इसको ओपन कर रहे हैं तो क्या होगा, ओवरराइट हो जाएगा आपका, ओके फाइन। आप इसको टी कर सकते हो अगर शो करना चाहते हो तो, टप्पल या जैसे मैंने इसका वेरिएबल का नेम लिया टप, फाइन। और यहाँ पे सिंपल आप इसको पास कर दो, सेव कर देंगे, राइट, रन करा दो, रन होगी आपकी फाइल। और अब आप देखोगे एबीसीडी, तो आपने क्या किया था, डेटा को टप्पल फॉर्म में पास किया था, आपका डेटा एंटर हो गया है, फाइन। नाउ नेक्स्ट, अब एक प्रोग्राम हम लोग करते हैं राइट लाइन्स का यूज करके, कमेंट देते हैं टू एंटर लिस्ट नेम्स इन अ फाइल एज लाइन्स, ओके। तो यहाँ पे हम यूजर से डेटा एंटर कराएंगे और वो कहाँ पे जाके राइट होगा, वो होगा राइट आपकी फाइल में, ठीक है। आपने फाइल हैंडल ऐप ले लिया, ओपन, और फाइल का नेम ले लो आप कुछ भी। यहाँ पे हम फाइल का नेम लेते हैं ab.txt। आप इसको राइट मोड में ओपन कर लो, फाइन। अब यहाँ पे हम राइट लाइंस का यूज करेंगे तो लिस्ट लेंगे, तो एम्प्टी लिस्ट ले ली, फाइन। अब 4i in रेंज 5, ओके, आई इन रेंज 5, तो आपका लूप कितने टाइम्स चलेगा, 5 टाइम्स चलेगा। तो हमने यहाँ पे ले लिया स्टेटमेंट नेम इक्वल्स टू इनपुट, इनपुट एंटर नेम ऑफ स्टूडेंट, कुछ भी ले लो, नेम ऑफ स्टूडेंट, फाइन। लिस्ट, अब वो जो आप एंटर कराओगे वो कहाँ पे हो जाए, जो आपने एम्प्टी लिस्ट ली थी, लिस्ट डॉट अपेंड, लिस्ट में जाके अपेंड हो जाए, ठीक है। नेम जो आप नेम एंटर करा रहे हो, और मैं यहाँ पे इसको न्यू लाइन करेक्टर ले लेती हूँ जिससे कि क्या होगा, नेम्स अलग अलग लाइन में आएंगे, ठीक है। पे हमने ले लिया f.writeLines, writeLines list, list में जो भी डेटा अपेंड होगा वो कहाँ पे चला जाएगा, फाइल के अंदर एंटर हो जाएगा बिकॉज ऑफ दिस स्टेटमेंट f.writeLines, क्योंकि आपने writeLines फंक्शन में लिस्ट को पास किया है। अब हम क्या कर देंगे, फाइल को क्लोज कर देंगे, ओके, इसको सेव कर लेते हैं। Now we will execute it. ठीक है, आपने एंटर कराना नेम, तो मैंने करा दिया टीना, पूजा, अमित, गौरव, स्नेहा, फाइन। अब हम अपनी फाइल में देखते हैं, एबी फाइल थी हमारी, एबी फाइल देखो आपका आ गया टीना, पूजा, अमित, गौरव, स्नेहा, जो अभी आपने इसके अंदर एंटर कराए थे वो आपकी फाइल में राइट हो चुके हैं, ओके ओके चिल्ड्रन। नाउ वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। इफ यू लाइक माय वीडियोस प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।